नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, नए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। आज है 1 अप्रैल 2024। और दोस्तों, बैंकिंग जगत से यहां पे काफी एक लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रहा है, दो बैंकों के मर्जर का, दो यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंकों के विलय का, जिसमें है दोस्तों फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों जो हैं आपस में अब मर्ज हो चुके हैं। दोस्तों, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक डिजिटल रिवॉल्यूशन इसने स्थापित किया था, और सन 2018 के अंदर जो है इसे बैंकिंग लाइसेंस मिला था। और फिनकेयर स्मॉल बैंक जो है काफी बड़े पैमाने पे लोगों में जो है यहाँ पे डिजिटल अकाउंट खोले गए थे। और दोस्तों, आपको पता भी होगा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि एक राजस्थान बेस्ड पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट करने वाला बैंक है, तो अब क्या है दोस्तों, फिन केयर ने अपने के पूरे जो बैंकिंग सिस्टम है वो चला गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। मतलब कि ये कि फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक अब पूरी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चुका है, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में दोस्तों, बहुत सारे लोग जो कि कस्टमर हैं फिन केयर बैंक के, उनको थोड़ा सा यहाँ पे काफी कंफ्यूजन का माहौल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से बताने वाला हूँ कि आखिरकार यहाँ पे आगे आपको क्या करना होगा, और यहाँ पे कौन कौन से बदलाव के जो है वो सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो भी पहले से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहक थे, तो उनको यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनके बैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनका अकाउंट नंबर सेम रहेगा, उनका आईएफएससी कोड सेम रहेगा, उनका कस्टमर आईडी से लेकर सारा कुछ सेम रहेगा। लेकिन चूंकि अब जो है फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि अब पूरी तरीके से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाएगा, ऐसे में दोस्तों जो मौजूदा ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, उनका जो अकाउंट नंबर है ये फिलहाल सेम रहेगा। दोस्तों, जब भी कोई बैंक का किसी दूसरे बैंक के अंदर जब मर्ज होता है, तो जो पुराने बैंक्स के जो अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबर होते हैं, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर से ही उनकी पहचान होती है। तो जो आपका अकाउंट नंबर होगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का, वो बिल्कुल सेम एज इट इज रहने वाला है। वही बात कर ले आईएफएससी कोड का, तो इसमें जो है बदलाव होगा, क्योंकि दोस्तों अब जो है फिनकेयर का जो भी आईएफएससी कोड थे वो अब चलन में नहीं रहेंगे। अब आपका जो ब्रांच चेंज होकर आप जिस ब्रांच के अंदर आपका जो होम ब्रांच है वो जाएगा, तो अब आपका जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आपका आईएफएससी कोड होगा, वो अब स्मॉल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो यहाँ पे आईएफएससी कोड है, उससे आपका जो है अकाउंट यहाँ पे ऑपरेट होगा। बात करें डेबिट कार्ड का, तो जब तक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के आपका डेबिट कार्ड की जो वैलिडिटी है, तब तक जो है आप इस कार्ड को यूज कर पाएंगे। जैसे वैलिडिटी खत्म होती है, तो आपको नया कार्ड अप्लाई करना होगा, जो कि आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड यूज करने संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, या आपने अभी तक अपने कार्ड का जो है आपने यूपीआई, फोन पे, गूगल पे वगैरह बना रखा है, तब भी आपको ट्रांजेक्शन करने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो भी यहाँ पे आपको कोई किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका यूजर आईडी एक्सपायर होगा, जैसे ही आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होगा, उसके बाद जो है आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि काफी एक बेहतरीन बैंकों में से एक है, तो यहाँ पे मैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के तमाम ग्राहकों को यहाँ पे बधाई देना चाहूँगा कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे शानदार बैंक के ग्राहक बन चुके हैं, वो भी घर बैठे बैठे। दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर का पूरा जो स्टोरी है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप इन दोनों बैंकों के ग्राहक हैं, तो आपके लाइफ में क्या बदलाव होने वाला है, ये आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। दोस्तों, ऐसे ही और फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए अब हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं, तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।